हेलो दोस्तों, मिथिला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को दिखाने वाले हैं हम राघोपुर का जो है फुटओवर ब्रिज जो कि बना हुआ है रेलवे स्टेशन पर। आइए चलिए आप सभी को दिखाता हूं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के बता दूं कि ये और भी जो है पूरा अपना जो है एक सर्विस चालू हो चुका है। अभी आप सभी को मैं इसके ऊपर जो है चल कर दिखाता हूँ। काफ़ी पहले भी इसके अपडेट्स देता था लेकिन बीच में बंद कर दिए थे, और आज जो है जैसे ये ट्रेन से जो है राघोपुर आए हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो है सर्विस भी चालू हो चुका है। देखिए अभी हम इस ओवरब्रिज के जो है ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि जो है ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, दानापुर जोगबनी सहरसा जोगबनी सब आके रुकती है, तो कभी कभी होता है दोनों लाइन बिजी हो जाती है, इसीलिए जो है ये फुटओवर ब्रिज जो है यहाँ पर जो है दिया गया है। ये ट्रेन जो है अभी फॉरबिसगंज से आई है। अब जो है इसके थोड़ा और ऊपर जाना है। देखिए अभी जो हम इस राघोपुर के जो है फुटओवर ब्रिज पे चल रहे हैं, और अभी आपसे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी जो है भीड़ दिख रहा होगा। थोड़े यात्री जो है वहाँ भी है और थोड़े यात्री यहाँ भी है, क्योंकि इसी टाइम में जो है दोस्तों दानापुर जोगबनी भी आती है, तो कभी कभी होता है कि दोनों ट्रेन जो है एक साथ आगे टकरा जाती है, तो किसी को एक प्लेटफॉर्म पर देते हैं किसी को एक प्लेटफॉर्म पर देते हैं। लेकिन अभी जो है पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है सर्विस चालू है, लोग जा आ सकते हैं आराम से। यहाँ पर थोड़ा सा कवरिंग बाकी है, देख सकते हो आप लोग। इधर से जो है नीचे जाने का रास्ता है, जैसे कि हम यहाँ से आए वैसे ही जो है, और ये देखिए जो ओवर ब्रिज के ऊपर से आपको फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या शानदार दृश्य लग रहा है। और अभी जैसे कि ये सामने वाली ट्रेन को जो है भी रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर आने वाला है दानापुर जोगबनी भी। तो दानापुर जोगबनी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके लगेगा। अगर ये ओवर ब्रिज अभी यहाँ पर नहीं होता तो अभी जो है पूरा भगदड़ हो जाता यहाँ वहाँ जाने आने के लिए, इसीलिए जो है इस ओवर ब्रिज का जो है बहुत ज़्यादा जरूरी था इस रेलवे स्टेशन पर। और अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा जो है फाइनल काम बाकी। जैसे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बैरिकेड खाली कर दिया, तो देखिए अभी जो है ट्रेन आता है। आपसे जो है ट्रेन का भी कुछ व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ आपसे दिखाता हूँ यहाँ पर जो है एक और जाने का रास्ता दिया गया है, वो वाला रास्ता और ये वाला रास्ता तो है प्लेटफॉर्म का, लेकिन जो एक और रास्ता दिया गया है देखिए, ये राघोपुर में जो है टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे दिया गया है एक, ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक जो है जाने का रास्ता जो है यहाँ से दिया गया है। इसको जो है रोड से कनेक्ट किया जाने वाला है, ये जो है रास्ता को जो है रोड से कनेक्ट किया जाने वाला है। और आने वाले समय में अगर एक और प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी अगर बनाया जाए तो यहाँ पर जो है आराम से बन जाएगा, और ये जो है उसके ऊपर जो है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगा। तो भविष्य के बारे में जो है बहुत सोचा गया यहाँ पर कि आने वाले समय में अगर रेलवे स्टेशन को बड़ा बनाया जाएगा तब भी जो है ये ओवर ब्रिज का काम रहेगा, लेकिन फिलहाल के काम के लिए इसको जो है रोड से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए उधर जो है मार्केट है, उधर देखिए दोस्तों वो मार्केट के एरिया है, और वहीं से जो है इस ओवर ब्रिज को जो है पूरा कनेक्ट कर दिया गया है। तो काफ़ी शानदार लगता है ये। देखिए अभी जो है फाइनल वर्क बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी जो है सेफ्टी नहीं है उतना। देखिए बिल्कुल जो है पूरा खुले हुए, कोई कवर नहीं है, तो बच्चे सबके गिरने का बहुत डर होता है। देखिए अब जो है ट्रेन आने वाला है, ट्रेन जो है नारायणपुर मुरली को जो है क्रॉस कर चुका है, तो ट्रेन का भी एक दो व्यू आप सभी को मैं दिखाता हूँ। इधर देखिए दोस्तों पहुँच चुका है दानापुर जोगबनी भी। कभी कभी जो है ये ट्रेन जो है जब फॉरबिसगंज ट्रेन सरायगढ़ पहुंच जाती है तब जो है दानापुर जोगबनी आती है, और कभी कभी जो है इससे पहले आती है। तो इसीलिए जो देखिए राघोपुर में जो है इसका नीड था, इसका ज़रूरत था, इसीलिए जो है ये ओवरब्रिज बन रहा है।
दोस्तों कैसा लगा आपसे हमारे वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर से बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पर एक और नए अपडेट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।